सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं विनोदी मोने। जनपद में मेरावना बॉर्डर पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। आपको बता दें कि देवरिया में अवैध वसूली के आरोप में मेरावना चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मियों को एसपी ने बुधवार को सस्पेंड कर दिया है। वसूली करने वाले एक कांस्टेबल और 2 पीआरडी जवानों पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं सीओ की रिपोर्ट पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। पूरा चौकी को निलंबित होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लार थाना क्षेत्र के मेहरौना पुलिस चौकी बिहार बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसी चौकी से होकर बिहार में छोटे से लेकर बड़े वाहन तक आते जाते हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बॉर्डर सील है और सिर्फ खाने पीने वाले जरूरी सामान लदे वाहनों को आने जाने की अनुमति है। पिछले दिनों बिहार जा रहे एक अंडा लदे पिकअप को रोक कर उसे रुपये वसूलने का आरोप चालक ने लगाया था। एसपी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए सलेमपुर के सीओ अरुण मिश्रा को जांच सौंपी थी। वहीं बुधवार की सुबह सीओ लार के थानेदार गिरजेश तिवारी के साथ चौकी पर पहुंचे। उन्होंने पीआरडी के जवान कोमल प्रसाद व सुनील निगम के अलावा कांस्टेबल सोनू भारतीय को वसूली करते हुए पाया ही नहीं, करीब 10,000 रुपये भी चौकी पर एक बिस्तर के नीचे बरामद हुई। रुपए किसके, इससे संबंध में पूछे जाने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सीओ ने मौके पर वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए पूरी रिपोर्ट को एसपी को सौंपा है। और भी खबरें देखने के लिए इस बी न्यूज के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे बी न्यूज ही प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट www.bnewsup.com पर भी जाकर खबर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।